सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज अगेन टू द चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम RS 200 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, कुछ रिव्यूज़ मैंने आपको अपने बताए थे लास्ट वीडियो में, और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे इसमें भी फेस करनी पड़ रही है वो मैंने आपको बताई थी। सो माफ़ी चाहूँगा इस फ्रेम के लिए, इस तरीके से आपको दिखाने के लिए सब कुछ, क्योंकि अगर मैं ऊपर हो जाऊँगा तो मैं नहीं देखूँगा बाइक, अगर मैंने लेंस ऊपर कर लिया तो बाइक नहीं दिखेगी, तो थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेरे पास वाइड एंगल लेंस अभी है नहीं एंड किट लेंस से मैं काम चला रहा हूँ। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये फेस करना पड़ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, जो बात करनी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। सो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था। तो ये आपको जैसे कि दिख रहा है, ये अपना एक्सेलरेटर वाला हैंडल है, मतलब एक्सेलरेटर वाली साइड है, तो इसका एक्सेलरेटर वायर ये निकला हुआ पड़ा है। मैंने जैसे कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने ऑर्डर दिया था भैया को ये लाने के लिए। सो ये है आपका, जैसा कि मुझे उनसे पता चला कि भाई बजाज जो पार्ट्स यूज़ करता है ज़्यादातर वो यूनो मिंडा कंपनी एक आती है, तो आप देख सकते हैं इसको, यूनो मिंडा इस कंपनी के यूज़ करता है। सो ये मैंने उनसे मंगाया था एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो एज सेम एज बजाज है, क्योंकि बजाज इसी के यूज़ करता है तो ऑब्वियसली उसके जैसा ही होगा। सो ये आपका जो किल स्विच होता है वो एंड इसका मतलब आपका राइट हैंड का ये पूरा ही है। तो इसमें एक इशू ये आ गया है कि जो हम ये यूज़ करते हैं इसमें ब्लू लाइट जलती है, दिखाता हूँ आपको, आई थिंक अभी तो दिखेगा अभी नहीं क्योंकि वायरिंग निकली ही पड़ी है, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। एंड इसमें मैंने लगा के देखा तो इसमें वाइट जल रही है। सो ये दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, 600 के आसपास का ये भी आएगा, तो आई थिंक मुझे ये भी मंगाना ही पड़ेगा क्योंकि वही वरना एक साइड आपकी ब्लू जलेगी जो इंटीरियर लाइट्स होती हैं आपकी, और दूसरी साइड आपकी वाइट जलेगी, तो वो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो वो चीज़ आप एक बार देख लेना, अगर ब्लू मतलब जिस तरीके की आपकी बाइक है वही आपको मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो दैट्स इट, कोई इशू नहीं है, हम दोनों ही चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। सो अभी इसके सारे जो कपलर्स हैं वो निकले पड़े हैं आप देख रहे हैं, और ये जो कपलर है आपका इग्निशन वाला, इसमें कट था, सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली टेपिंग करनी पड़ेगी एंड ये वो पूरा टेप उखड़ा हुआ था इस साइड का, सो ये मैंने पूरे की इसकी टेपिंग की है। सो ये चीज़ें आपको मैं ऑब्वियसली ऐसे ही दिखा सकता था जो दूसरा कैमरा है उससे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं पाएगा। एंड जो आपके हॉर्न के वायरिंग वगैरह हैं इसको हम डेफिनेटली चेंज करेंगे, रोड्स के जो हॉर्न है वो पड़े हुए हैं वो देख रहे हैं आप, सो ये वापस इसमें लग जाएंगे। एंड ये वायरिंग के लिए जो पूरा अपना नीचे फ्रेम होता है एंड फेयरिंग जो लगती है, सो वो उधर पड़ी हुई है, सो उसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा अभी आपको जो दिख रहा है खुला हुआ है। बैटरी मैंने इसलिए होल रखी है, थोड़ी सी हवा भी लग जाएगी क्योंकि मैं धुलवा के लाऊंगा भी पूरी बाइक, और इसके अंदर से वायरिंग भी जा रही है दो तीन, तो वो भी मुझे ध्यान में रखनी है, वो भी थोड़ा सा चेक करनी है कि उसमें कहाँ की वायरिंग कौन सी है। और इंटीरियर इसकी दो लाइट्स लगी हुई थी, और ये आप देख पा रहे होंगे ये एक LED लाइट इसमें लगी हुई थी अंदर ब्लू कलर की, सो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है उस पर कीचड़ जा चुका है पूरा, सो उसको डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से सेट करना है। सो यही सारी चीज़ें आपको हम करने वाले हैं। और हाँ, एसेसरीज़ के लिए जो आपकी वायरिंग है, यानी कि आपकी जो फॉग लाइट है, फॉग लैम्प है, आपका जो LED फ्लैशर है, उसकी वायरिंग कहाँ से जानी है, सो उसके लिए मैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो यहाँ पर छोड़ दूँगा, ताकि आगे चल के आपको ऐसी कोई भी दिक्कत उसमें ना फेस करनी पड़े। एंड इसकी जो वायरिंग रिपेयर्स जो होने वाली है, तो अभी देखो इसमें कपलर है ये अभी पूरी तरीके से स्टॉक है, इसमें अभी कोई भी वायरिंग नहीं है, इसका जो टैकोमीटर उधर रखा हुआ है उसमें भी वायरिंग एकदम फ्रेश है। सो उसके कपलर के आगे वाले जो कपलर्स होते हैं उसी में डेफिनेटली कट्स लगे हुए थे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर का आपका जैसे ये कपलर है, सो इस कपलर में इतने सारे कट लगाए हुए हैं और ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है इसमें, सो इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करना पड़ेगा वरना इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो नहीं चलेंगे। एंड इंडिकेटर मैं इसमें डालना हूँ KTM वाले, जो आपने इंडिकेटर अगर देखे होंगे KTM के, और जिसमें तीन LEDs होती हैं, वो भी आपको अभी डालने के बाद दिखाता हूँ। सो वो सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, तो जल्दी से टाइम लैप्स शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें मैं क्या अपडेट कर रहा हूँ। सो यार ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे लगाने के बाद आधी से ज़्यादा चीज़ें इस बाइक में ठीक हो चुकी हैं, और क्योंकि फेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था एंड एक बोल्ट है जिसने थोड़ी सी दिक्कत की है, वो ये है एक्चुअली, इसको ना खोलते टाइम ये टूट गया था, बहुत हल्की क्वालिटी का था और यहाँ पर स्लाइडर्स लगे हुए थे फ्रेम के, सो उसकी वजह से अभी जब तक ये नहीं निकलेगा तो ये किसी वेल्डिंग वाले से कटवा के आपको निकलवाना पड़ेगा, इसके ऊपर वो हल्का सा टांका लगा के इसको खोलते हैं। सो वो चीज़ आज नहीं हो पाई क्योंकि आज बारिश हो रही है, सो वेल्डिंग की जो सारी शॉप्स हैं वो बंद थी। एंड मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम हमने किया है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है।
सो देखो, ये दो वायर हैं, ये जो दो वायर हैं ये आपके स्पेशली लिए गए हैं इसी चीज़ के लिए कि कल को जब मैं इसमें फॉग लाइट और फ्लैशर या फिर कुछ भी लगाऊंगा तो उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। सो कोई यहाँ पे इग्निशन में कट लगाता है, कोई कहीं अंदर वायरिंग में कट लगाता है। सो इसमें गाड़ी में जो पहले से जहाँ पे भी कट लगे हुए थे उनमें मैंने अच्छी क्वालिटी के जो आपके घर की फिटिंग में जो वायर यूज़ होते हैं कॉपर वायर, वो निकाल के लिए हैं। सो इसमें आप कितने भी लगा लो कोई इशू नहीं है, आपको अलग से कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये दो वायर्स, एक ये एंड आपका एक येलो वाला जो वायर है ये मैंने दोनों इंडिकेटर्स में से निकाले हैं, दोनों साइड के इंडिकेटर से। इसमें क्या है कि मेनली जो भी आपके फ्लैशर लगेंगे एलईडी फ्लैशर, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से लोगे तो एक एक तार दोनों साइड पे देना पड़ता, तो वो मैंने पहले ही टेस्टिंग करके दो वायर निकाल दिए हैं मेरे पास, जो पहले सिमटेक का पड़ा हुआ था उसका कट करके। सो डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि मुझे पूरा फिर से यहाँ पे और यहाँ पे वो सब नहीं करना पड़ेगा, तो उधर से एक वायर ला के मैंने यहीं छोड़ दिया है सीधा। और दूसरी चीज़, आगे भी कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे अगर बार एंड लाइट लगाता हूँ हैंडल बार के लिए, और यहाँ पे मैं अगर दूसरी तरीके की कोई भी लाइट यूज़ करता हूँ या फिर इंडिकेटर से जुड़ी हुई कोई भी लाइट मैं यूज़ करता हूँ, सो उसमें मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी और ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे छोटे से कपलर्स जो लगे हुए हैं तो यहाँ से हमेशा वायर को कट किया जाता है। सो मैंने उसको ना ले कर यहाँ पे एक अलग से कपलर लगाया है कुछ इस टाइप का, ये आपको इजीली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। सो वो आप लगा सकते हो, इससे क्या रहेगा कि आपका एक बार जो कट लगेगा परमानेंटली, उसके बाद आप उस कपलर में कट लगा सकते हो कितनी भी बार, तो वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है उसके रिगार्डिंग। एंड उसके अलावा यार देखो, इसमें काम बहुत ज़्यादा है और अभी फेयरिंग को लेके या फिर सारी चीज़ों को लेके वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि कल ऑफिस भी है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। एंड इस बार वैसे भी मैंने दूसरी वीडियो अपनी प्लान की थी वो इसी चीज़ के लिए की थी कि इसकी वायरिंग का जो पूरी की पूरी मरम्मत करनी है वो कैसे करनी है। उसके लिए मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ की है वो ये की है कि आपके नोन में कोई है या फिर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर ये ऑटोमोबाइल ग्रेड का टेप मिलता है आपको, ये टेप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें क्या है, आप कितने भी राउंड एंड राउंड लगा सकते हो तो वो फटता नहीं है, टाइट नहीं होता कभी भी, ये ऑटोमोबाइल ग्रेड का ही होता है। सो ये वाला टेप आप यूज़ कर सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको टेप को यहाँ पे यूज़ किया, इसकी जो वायरिंग जहाँ पे भी कटी हुई थी उन सारी जगहों पे, एंड लास्ट में जाके कपलर से लगा के मैंने उसको वहाँ अंदर टाई कर दिया है। सो आगे जाके कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है वायरिंग के कटने से रिलेटेड या फिर कुछ भी, सो वो एक बेनिफिट है। तो यार बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा मुझे जो लगा गड़बड़ वो ये लगी कि ये जो है ये वाइट कलर की चल रही है और ये जो है वो ब्लू कलर की चल रही है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं चेंज हो सकती क्योंकि नए मॉडल में वाइट ही आ रही है, ऐसा भैया ने मुझे बताया है। सो कुछ दिन बाद इसको भी हम चेंज कर देंगे। एंड क्लच का जो आपका सेंसर आता है वो नहीं मिला है अभी, सो वो कल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसका कपलर छोड़ा हुआ है इस जगह पर जो मैंने आपको ब्लू कलर का दिखाया था, तो डायरेक्टली वहाँ पर लग जाएगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यार इस वीडियो में देखो इतना ही था। बेसिकली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि इसके जो वायरिंग्स वगैरह जो इसके इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व करने वो मैं आपको बता सकूं, तो आई होप मैंने आपको बेटर समझाया होगा थोड़ा सा, या फिर आप आगे के रिस्क से कैसे बच सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। वायर ना कटने दें, दो वायर निकाल लें बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो कैमरा ना वो बार बार वीडियो को स्टॉप कर रहा है क्योंकि उसमें मेमोरी कार्ड का कुछ इशू आ रहा है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्या क्या मैंने बताने की जो कोशिश की आई है मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें लाइट्स अपग्रेड करने वाले हैं, जैसे कि फॉग लाइट हो गया आपका, इंडिकेटर्स हो गए, KTM इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी डाल दिए इस वीडियो में, बट वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि स्थानीय इंडिकेटर को आप नॉर्मली भी चेंज कर सकते हैं, कपलर टू कपलर रहता है उसका कुछ ऐसा है नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में कैसे लग रहे हैं वो जरूर दिखा देंगे आपको। एंड उसके अलावा फॉग लाइट इसमें लगने वाले हैं, एंड स्विच मैंने इसके लिए स्पेशली मंगाया है तो वो लगाने वाला हूँ, LED फ्लैशर लगाने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको जो भी अच्छा लगा हो उसके लिए प्लीज़ इसमें लाइक कमेंट शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में और क्या देखना चाहते हो वो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।